If A equals to a 2 by 2 matrix, then express A raised to 4 in terms of I and A. इस सवाल को अप्रोच करने के लिए पहले आपको मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स यानी कि आइगन वैल्यूज फाइंड करना होगा। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, इसके आइगन वैल्यूज भी निकाल चुके हैं, तो मैं लिख देता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू c। ये तो था फॉर्मेट। इस फॉर्मेट से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस 1 और लैम्डा 2 इक्वल टू 4। तो ये आ गए थे आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स यानी कि आइगन वैल्यूज। अब By Kelly-Hamilton theorem, f of a को आप लिख सकते हैं अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा वन ए इक्वेशन वन। और f of a क्या है जो आपको फाइंड करना है, तो आपको यहां पर a रेस टू 4 को एक्सप्रेस करना है, सो f of a शुड बी a रेस टू 4। As per the Kelly-Hamilton theorem, we can replace lambda, we can replace a by lambda. So I am putting a equal to lambda in equation 1. So kya milega? F of a ban jayega f of lambda. A ki power 4, yani ki lambda ki power 4. I matrix equation se algebraic equation ho gaya, to ye ho gaya 1. Alpha 1 into lambda. तो ये जो इक्वेशन आया है हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2, एंड दिस इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आइगन वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास है माइनस 1 और 4, इन दोनों आइगन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो हम बारी बारी से आइगन वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या मिलेगा? माइनस 1 की पावर 4 अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1। एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, सो अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1 इक्वल टू 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरा आइगन वैल्यू यानी कि लैम्डा की वैल्यू 4। सो पुट लैम्डा इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 यहां। 4 raised to 4 alpha naught plus 4 times alpha 1, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा alpha naught plus 4 times alpha 1, 4 raised to 4 यानी कि 256। तो इस प्रकार से equation 3 और ये आ गया equation 4। equation 3 alpha naught alpha 1 के फॉर्म में, इक्वेशन 4 अल्फा नॉट अल्फा 1 के फॉर्म में, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके अल्फा नॉट और अल्फा 1 का वैल्यू मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा नॉट इक्वल टू 52 एंड अल्फा 1 इक्वल टू 51। तो ये जो अल्फा नॉट और अल्फा 1 की वैल्यूज आई है इनको आप इक्वेशन 1 में यानी कि f of a के एक्सप्रेशन में रख देंगे। इक्वेशन 1 में a की पावर 4 ये लिखा, अल्फा नॉट का वैल्यू यहां से इंपोर्ट कीजिए 52 टाइम्स i और अल्फा 1 51 a। तो हम यहां पर a रेस टू 4 को 52i प्लस 51a लिख सकते हैं। फर्दर अगर आपसे मैट्रिक्स ए रेस टू 4 का सॉल्यूशन मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछा जाता तो बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको। यहां पर आप यूनिट मैट्रिक्स रख देंगे 1 0 0 1 51, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
3 2 सिंपलीफाई कर लेते हैं. सो यह है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 52 0 0 एंड 52. यहां पर आइए प्लस साइन है बीच में. 51 into 1 51 into 2 51 into 3 51 into 2. सो सिंप्लीफाई करते हैं. ए रेस्ट टू 4 विल बी 52 plus 51 103, then 102, 0 plus 153 153, 52 plus 102 154. तो अगर आपसे सवाल में ए रेस टू 4 का मैट्रिक्स के फॉर्म में आंसर पूछा होता तो ये आंसर है. उस कंडीशन में आप कहते हैं कि सर ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर लेते हैं. लेकिन इस सवाल में खास बात यह है कि उन्होंने ए रेस टू 4 को यूनिट मैट्रिक्स आए और ए के फॉर्म में एक लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कहा था. और इस समय केलेमिटर थ्योरम का ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ए रेस टू 4 को आई और ए के फॉर्म में लिखना था तो हमारा आंसर यहां पर खत्म हो जाता है 52i plus 51a. और अब यहीं से अगर आप ए के फॉर्म में मैट्रिक्स के फॉर्म में ए रेस टू 4 को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स रख दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग ए रेस टू 4. थैंक यू.